लखनऊ में विधान भवन के पास सपा का धरना। बीजेपी सरकार के खिलाफ ये धरना समाजवादी पार्टी की तरफ से तो आज से शुरू हो रहा है विधानमंडल शीतकालीन सत्र, और उससे पहले सपा की तरफ से बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। तो सत्र शुरू होने से पहले धरना दे रही है समाजवादी पार्टी। तो आज से शीतकालीन सत्र यूपी में शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसे आप पहले आप देख सकते हैं किस तरह से विधानसभा के बाहर हाथों में बैनर लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। तो आज से शुरू हो रहा है विधानमंडल का विधान शीतकालीन सत्र। सत्र शुरू होने से पहले धरने पर समाजवादी पार्टी, तो लखनऊ में विधान भवन के पास समाजवादी पार्टी की तरफ से धरना दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आज से शुरू हो रहा है विधानमंडल शीतकालीन सत्र, और उससे पहले किस तरह से कोशिशें हो रही हैं और क्या कुछ मुद्दे इस सदन के अंदर गूंजते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं शीतकालीन सत्र के पहले दिन शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी धरने पर है, जहां महिलाओं की सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो बेटियों को बचाओ और आरोपियों को दोषियों को फांसी दो, ये बैनर यहां पर। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी जो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनको घेरती हुई। तो बीजेपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का धरना आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। लखनऊ के विधान भवन के पास समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरना इसलिए दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, और जो सरकार कानून बनाया है नागरिकता संशोधन बिल, वो देश हित का नहीं है। सामाजिक ताना बाना बिगड़ा है और इससे लोगों में दहशत पैदा हुई। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करती है और पूरे प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों का लगभग 10,000 करोड़ रुपया किसानों का गन्ना बकाया नहीं दिया जा रहा, उनका पेमेंट नहीं मिल रहा, गन्ने की तौल में भी परेशानी हो रही है, धान की खरीद नहीं हो रही है, ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, और पूरे प्रदेश का जो किसान है इस समय आत्महत्या करने पर मजबूर है। लेकिन सरकार इन सवालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी आज सदन में भी इन मुद्दों को रखेगी और सड़क में भी इन मुद्दों को रखेगी। छात्रों के साथ लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों को नाहक मारा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान विरोधी काम हो रहा है। इन सवालों को लेकर आज हम सब लोग यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। तो बीजेपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले किस तरह से क्या कुछ मुद्दे सदन के अंदर गूंज सकते हैं, किन मुद्दों पर यहां पर सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस धरने के जरिए समझा जा सकता है। संविधान बचाओ और बेटियों की रक्षा करो, तो यहाँ पर इस तरह के बैनर लेकर। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बच्चों के साथ दुष्कर्म की वारदातें, महिला सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और कानून व्यवस्था, और साथ ही जिस तरह से नागरिकता संशोधन जो अधिनियम बन गया, जो एक्ट बन गया है, उसके विरोध में उत्तर प्रदेश के छात्र नौजवान सड़कों पर उतरे, अहिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पुलिस ने बर्बरता किया, छात्रों को लाठीचार्ज किया, गोली चलाई, आंसू गैस जितना फेंका, दो बजे रात को कई छात्रों के हाथे उड़ गए। यहाँ नदवा स्कूल में लाठीचार्ज हुआ, गोली चलाई गई। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ये सब विश्वविद्यालयों में छात्र नौजवानों को आंदोलन में कुचलने का काम हो रहा है। प्रदेश उसके समर्थन में हम बैठे हैं, छात्रों नौजवानों के आंदोलन के समर्थन में हम बैठे हैं। दूसरा, प्रदेश रेप और बलात्कार के मामले में दुनिया में एक नंबर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार इस बात को कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उत्तर प्रदेश जंगल राज हो गया है, रोज रेप की घटनाएं हो रही है, बलात्कार की हो रही है, सरकार के कार्य पर कोई जून नहीं लग रहा है। तो हम लोग इसीलिए धरने में बैठे हैं।
ये जो नागरिकता संशोधन बिल इसको वापस ले, एक्ट को वापस ले सरकार, बलात्कारियों को फांसी दे, सरकार को हाया हो तो इस्तीफा दे, धान की खरीद तुरंत किसानों की करे, गन्ना का तत्काल किसानों का मूल्य भुगतान करे। तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ किस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा खोला गया है, आपको बता दें कि आज से यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से इस धरना यहां पर दिया जा रहा है। कई सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश सदन के अंदर यहां पर रहेगी, लेकिन सदन के बाहर फिलहाल जो स्थिति है वो आप खुद समझ सकते हैं। तो सभी मुद्दे यहां पर कहीं ना कहीं बैनर दिखाई दे रहे, जिसमें चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, या बढ़ती महंगाई को लेकर हो, गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर हो, या नागरिकता संशोधन को लेकर संविधान बचाने की गुहार लगाई जा रही। तो बच्चों के दुष्कर्मी हवानों को फांसी दो, तो जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर दावे किए जाते हैं और अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश रहेगी। तो ये वो तमाम मुद्दे हो सकते हैं जो सदन के अंदर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से गूंजते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से धरना दिया जा रहा है। तो शीतकालीन सत्र से शुरू होने से पहले इस तरह की नाराजगी, तो सरकार को हर एक पहलू पर फेल बताते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से धरना दिया जा रहा है। क्या कुछ मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं, जो चाहे वो प्याज की कीमतें जिस तरह से आसमान छू रही है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, उस पर हाथों में यहां पर बैनर दिखाई दिए, तो वहीं बेटी बचाओ का भी यहां पर साफ तौर पर उन्होंने मांग की है, और नागरिकता संशोधन बिल का असर यहां पर भी दिखाई दे रहा है, और सपा की तरफ से हाथों में बैनर लेकर संविधान बचाने की गुहार लगाई जा रही है। तो प्रजातंत्र की रक्षा करो, संविधान को बचाओ, इस तरह के बैनर। तो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जहां पूर्वोत्तर राज्यों में नाराजगी है और अब मुस्लिम समाज भी इस विरोध पर उतर आया है, तो वहीं अब वोट बैंक की राजनीति करते हुए सपा की तरफ से यह धरना दिया जा रहा है, जिसमें तमाम मुद्दों के बैनर लेकर धरना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे। तो बड़ी संख्या में यहां पर जो तमाम नेता मंत्री विधायक हैं उनकी तरफ से धरना दिया जा रहा है। तो बच्चों की दुष्कर्मी हैवानों को फांसी दो, ये यहां पर नारेबाजी की जा रही है। बढ़ती महंगाई हो या संविधान के साथ बचाने की गुहार लगाई जा रही हो, तो बीजेपी सरकार के खिलाफ हर एक मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश। तो आज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि सपा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है।